रेस्पेक्टेड जनरल पांडे जी, ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। आज एक बड़े इंटरवल के बाद मैं डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी, जिसे लोग सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म कहते हैं, अपने सोल्जर्स विद यूनिफॉर्म दोस्तों के बुलावे पे, पर उस चिनार कोर के कैंपस में आई हूँ जहाँ से मैंने सद्भावना मिशन के ज़रिए रिश्ता जोड़ा था। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ यूनिफॉर्म में लोग जो यहाँ पे हैं, सरहदों पे रियासतों के लिए और देश के लिए जो लड़ने वाले मेरे बहादुर भाई हैं, इनके ज़रिए ही हम जो ज़िंदगी की चंद सांसें लेते हैं और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, और ख़ासकर हम जैसे जैसे डॉक्टर मेहर साहिबा ने यहाँ पे बता दिया, तो आप उसके बाद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लेडी के लिए जीना कितना मुश्किल होगा अगर सिचुएशंस सही नहीं होंगी। और हमारे भाई यूनिफॉर्म में हर एक चीज़ का मुकाबला नहीं करेंगे। जहां सद्भावना मिशन के ज़रिए मैंने अपना रिश्ता यहां से जोड़ा, मुल्क और लोगों की खिदमत के लिए ये रिश्ता मजबूत होता गया। तब मैं कश्मीर में बेहद ख़राब हालात के बीच द ओनली वन लेडी फ्रंट पे आई थी, जिसने वायलेंस के पूरे सिस्टम को एक चैलेंज दिया था। मेरी एजुकेशन, मेरी ट्रेनिंग, मेरी परवरिश, मेरा हौसला बनी थी, हौसला बने थे आप यूनिफॉर्म में मौजूद मेरे बहादुर भाई, जो मुझे टॉपिक दिया गया है मैं उस पे आऊँगी, लेकिन जहाँ दिया गया है वहाँ की बात न करूँ तो अधूरा टॉपिक रहेगा। मुझे कश्मीर की 2000 साल की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ने और जानने का मौका मिला था। मैंने कश्मीर में हर दौर में वीमेन पावर को सेलिब्रेट होते हुए देखा था। कई शायर, कई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़, कई महारानियाँ औरतों की काबिलियत और ताकत के सबूत रहे हैं यहाँ। ये सब मेरे लिए इंस्पिरेशन बने थे। मैं जब स्कूल में ही थी, कश्मीर को बंदूक की गनगरज ने घेर लिया था। मर्डर, रेप, अगवा, जाति ज़बरदस्ती कश्मीर की कहानी हो गई थी। मेरा मन ये सब कबूल नहीं कर रहा था। मैं हिस्ट्री में कश्मीर के वीमेन पावर को जानकर जीना जितना इंस्पायर हो गई थी, वो इंस्पायरेशन मैं समाज को जगाने और इस डार्कनेस को मिटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर घर से बाहर आई और एक एक्टिविस्ट की तरह आवाज़ उठाने लगी और अंधेरे के खिलाफ जदोजहद करने लगी। कश्मीर में बंदूक की शह पर जातियाँ सब पर हुई, लेकिन औरतों पर इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही रहा। किसी भी बेगुनाह मर्द को मारा जाता था तो अजाब औरत पर आता है और उस औरत की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कमाने वाला, औरत का कोई न कोई ज़िंदगी का हिस्सा इससे छिन जाता है। गोली का शिकार किसी को भी बनना पड़ा, औरत को ज़िंदगी भर रोने की मजबूरी का तोहफा मिला और फिर औरत को डायरेक्ट टारगेट भी बनाया गया। दकियानूसी फतवे जारी हुए, औरत को घर से बाहर निकलने तक के लिए बेहुदा शर्तों की लगाम लगाई गई। एसिड अटैक्स की एक दर्दनाक कहानी कश्मीर में बरसों तक लिखी गई, जिसकी सिसकियां मुझे आज भी सुनाई देती हैं,
तो रातों की नींद उड़ जाती है। कितनी ही खूबसूरत और खूबसूरत चेहरे तबाह कर दिए गए। असल में दहशतगर्दों ने औरतों के चेहरे डिफेस नहीं किए बल्कि कश्मीर की असल सूरत को बिगाड़ दिया। कश्मीरियों की मां ललदेत का चेहरा बेचेहरा कर दिया गया। इस तरह हम अपनी पहचान को दागदार कर गए। जुल्म की दास्तां यही नहीं रुकी। कितनी ही लड़कियों को अगवा किया गया, उनकी इज्जत तार तार कर दी गई। कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने कभी इन अगवाकारी और रेप की वारदातों पर बोला ही नहीं। ये क्रिमिनल खामोशी मेरा कलेजा चीरती रही। मैं आपको कोई फिक्शन नहीं सुना रही हूँ, आंखों देखी बता रही हूँ। कई अगवा लड़कियों के लिए इससे बदतर और जुल्म क्या हो सकता है कि उन अगवा की गई लड़कियों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई वो किसी से छुपी ही नहीं थी, न तब की सिविल सोसाइटी से, न उन मुलाओं से और उन मौलवियों से जो उस वक्त फतवे जारी करते थे, बट उन लड़कियों के साथ उनके सामने मस्जिदों के पास किसी घर को लिया जाता था रेंट पे और उनके साथ क्या किया जाता था वो सारी सिविल सोसाइटी देखती रही, लेकिन उन लड़कियों की सिसकियाँ किसी तक नहीं पहुँची। ये सब उस दहशतगर्दी का हिसाब हम आज भी अपने आप से पूछ रहे हैं, जो आज भी बड़े दावे करते हैं कि हम इस कौम के ठेकेदार हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम कुरान के ठेकेदार हैं। क्या कुरान ने यही तरबियत दी थी कि लड़कियों की और माओं की बहनों की इज्जत तार तार करना है, और वो भी मस्जिदों की लाउड स्पीकरों की आवाज़ में, जब उनकी चीखे और उनकी पुकार जब वहाँ पे शोर होता था तो उन बहनों की सिसकियाँ उसी में दब जाती थी। वो बहनें आज भी जिंदा हैं, वो बेटियाँ आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो समाज से आज भी पूछ रहे हैं कि 30 साल के बाद भी क्या आप में इंसानियत नहीं जागी। इस दौर में अपने आप को शेर कहने वाले, मर्द कहने वाले मेरे भाई, वो भाई जो समाज के ठेकेदार हैं, उनसे सवाल पूछना चाहती है ये बहन, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस बहन ने आपको प्यार दिया, क्या उसके साथ यही सलूक होना चाहिए? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद औरतों पे जुल्म ज्यादतियाँ नहीं हुई। उनके ज़हूर के बाद ही इस्लाम ने औरत को एक दर्जा दे दिया, लेकिन हमारे समाज में, हमारे कश्मीर में 30 सालों से ये ज़बरदस्तियाँ होती रही और ज़बरदस्ती होती रही है और हो रही है। जैसे मेरी बहन ने अभी यहाँ पे बताया, डॉक्टर साहिबा ने सही बताया, दरख्शान ने जब कदम रखा जमाने के जो उस वक्त वेव थी, तब मैं सिर्फ 22 साल की उम्र की थी, जो वेव चल रही थी मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त भी यहाँ पे बैठे हैं और जिस चिनार कॉर्पस में बैठी हूँ वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी है, और उन दोस्तों ने मेरी खबर भी कभी अखबार में नहीं छापी। कहते थे हमारे अखबार को जलाया जाएगा, हमारे ऑफिस पे हमला हो जाएगा, क्योंकि एक ही लड़की थी उस टाइम पे जिसने तिरंगा उठाया था और वक्त और उस लहर के खिलाफ उठ खड़ी थी। तब जो फतवे दिए जाते थे उन फतवों के खिलाफ मैं बोलती थी अकेले। जब मैंने ये लिखा, परवरिश मेरी हुई है हादसों के शहर में, मौत से भी खेलने का हौसला रखती हूँ मैं, ए मौला, तब तो बात नहीं थी पता कि तिरंगा किसका कफन बनता है या किसका नहीं बनता है, तो एसकेआईसीसी में
तब हमारे जनरल साहब हमारे गवर्नर हुआ करते थे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो यहाँ पे उस वक्त जनरल निर्भय शर्मा साहब यहाँ पे कोर कमांडर थे, तो वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे। मैंने एक नज़्म पढ़ी थी, एक पोइम पढ़ी थी, बन जाए तिरंगा मेरे मौला मेरा कफन। शायद बहुत सारे भाई मेरे बैठे हैं जिनको मालूम होगा, स्टूडेंट थी मैं यूनिवर्सिटी की। तो उस पर बहुत हंगामा हो गया, कहर बरपा हो गया कि ये तो काफिर हो गई कि जिसने ये कहा कि बन जाए तिरंगा मेरे मौला मेरा कफन। तो लेकिन उसी वक्त मेरा रिश्ता जो है वो चिनार कॉर्पस से हो गया, तिरंगे से हो गया, और मोहब्बत अपने वतन में जो था मेरे दिल में उसी वक्त जाग गया था, और वो मोहब्बत आज तक जारी है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। क्योंकि ये कहानियाँ नहीं हैं, ये आप बीती है जो आगे आने वाली दुनिया के लिए बहुत ही मुफीद है। जो ये यूनिफॉर्म है, हमने हमेशा ये सोचा है कि हमारी पासदारी का बाइस है। क्योंकि मैं उर्दू में PhD हूँ, आप ज़्यादा अंग्रेज़ी समझते हैं, मगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी में बात करती हूँ। क्योंकि जो हिंदुस्तानी होता है उसकी बात दिल में असर रखती है, इसलिए मैं उर्दू में ही हिंदुस्तानी में बात करना जानती हूँ। और हिंदुस्तानी ही अपने जो भाषा है, जब दिल पे असर होता है तभी तो तारीखें लिखी जाती है, और अगर तारीख लिखी जाती है तो अपनी ही ज़ुबान में समझ आती है। जो हम बात कर रहे थे कई अगवा लड़कियों के, इसके लिए किए गए अगवा जो किए गई लड़कियां, फिर उनकी इज्जत ब्लैकमेलिंग करके दहशतगर्दों को आज़ाद कर दिया जाए, और ज़्यादातर अगवा रेप की गरज से हुए। इन क्राइम्स पर सर्वे भी न हुई और कोई रिपोर्ट भी न सामने आए। कश्मीर की पॉलिटिक्स पर दर्जनों किताबें लिखी गई, लेकिन अकाउंट्स हर किताब से गायब हैं। एक और बड़ी बात है, मिलिटेंसी की पहली दिहाई में बेशुमार फोर्स्ड मैरिजेस हुई। बंदूक की नोक पर लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता था, और फिर बंदूक बरदारों के साथ उनकी फोर्स्ड मैरिजेस हो जाती। ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा और इनोसेंट गर्ल्स की जिंदगियां तबाह हो गई। मुझे याद है मेरी एक फिल्म मेकर दोस्त ने ऐसी ही 50 विडोज के प्रोफाइल शूट किए थे, जिन्हें फोर्स्ड मैरिजेस के बाद मुसीबतों के समंदर में धकेला गया था। कुछ एक प्रोफाइल जब मैंने देखे तो कई हफ्तों तक अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही थी। कश्मीर के हर इलाके में ऐसे हज़ारों लेडीज़ हैं जिन्हें दहशत की कीमत अपने आंसुओं से चुकानी पड़ रही है। कुछ हद तक ये सिलसिला अभी तक जारी है। औरत की सफरिंग्स की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। एजुकेशन के पूरे सिस्टम को मिलिटेंसी ने बसम कर दिया। औरत की एजुकेशन सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। इनसिक्योरिटी और दहशत का ऐसा माहौल पैदा किया गया कि माँ बाप के बच्चियों को घरों में महफूज रखने को प्रायोरिटी दी। इस तरह कितनी ही PT ऊषा, कितनी ही कल्पना चावला, कितनी ही दरक्षा घरों में कैद रहकर बेनाम हो गई। इस दर्द भरी दास्तान को किसी फिल्म साज ने शूट नहीं किया, किसी ऑथर ने नहीं लिखा, किसी अखबार ने इसे अपने पेज पर नहीं छापा, नहीं सजाया। 3 decades में दहशत की सौदागरी ने बीच जो कभी औरत, जो वुमेन्स ओपिनियन को कंसीडर ही नहीं किया गया, कितनी ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, कितने ही सेमिनार हुए, कितनी ही मीटिंग्स हुई, कितने ही डिस्कोर्स हुए, लेकिन औरत से किसी ने नहीं पूछा, औरत को किसी ने नहीं सोचा। और मैं दरक्षा इसके खिलाफ एक एहतिजाज बनकर खड़ी रही हूँ। वक्त के सामने मैं दीवार बन के रही और वक्त के साथ चल रही हूँ। और एक
अहम मोड़ पर आपको ले जाती हूँ। 1990 में जब कश्मीर में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हुआ, तो उस जुल्म के निशाने पर भी औरत ही थी। माइनॉरिटी वीमेन को तहस नहस कर दिया गया। इन औरतों पे जो जुल्म हुआ, उसकी दास्तानें कश्मीरियत के हर दावे के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इसी शर्म और इसी कम पाईगी के खिलाफ खड़ी हुई मैं दरख्शां बनकर एक औरत औरतों पर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हूँ। कश्मीर में गन कल्चर के वकीलों से मैं पूछना चाहती हूँ कि हवा की बेटी को रुसवा करके तुमने क्या पाया, क्या हासिल किया? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ अपने लिए बर्बादी के सिवा। कश्मीर की शक्ति आप सब जानते होंगे, कश्मीर को शक्तिपीठ, यहाँ पे तिक्कू साहिबा बैठी है, कश्मीर को शक्तिपीठ कहा जाता है, यानी औरतों की अजमत की धरती। इस धरती पर बंदूक की तबाहकारियों के बीच और वीमेन पावर को लिमिट करना या दबाने की कोशिश के बीच कश्मीर की बेटी उठ खड़ी हुई है सियासत के मैदान में, ग्राउंड जीरो पर आवाम की रिप्रेजेंटेटिव बनकर उभरी है, इनोवेशन के मैदान में अपना लोहा मनवाया है, खुद कारोबार शुरू करके दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी तैयार की है, हवाई जहाज़ उड़ाया है, फौज और पुलिस की अफसर बनी बैठी है, साइंसदान है, इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स कोच है, जर्नलिस्ट है, अदाकारा है, टीचर है, जो तुम्हारी तरबियत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या नहीं है एक लड़की, क्या नहीं है एक औरत? एक दरख्शां है जिसे पूरा मुल्क डॉटर ऑफ इंडिया कहकर बुलाता है। कितनी ही दरख्शां हैं जो बेखौफ होकर कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए खुद को डेडिकेट कर चुकी हैं। उनकी फियरलेसनेस को इस बात का ऐलान है कि अब और नहीं, अब और कोई जुल्म नहीं, कश्मीर की बेटी पर अब कोई भी अफसोसनाक वारदात हमें कबूल नहीं है।